एक्चुअल में क्या, अभी तक हम क्या पढ़ते थे, इन डायनेस्टी के बारे में कि परिव्राजक कहाँ पे रूल करते हैं, बोला बुंदेलखंड। मग कहाँ पे करते हैं, बघेलखंड, है ना। बोला उत्कल कहाँ से करते हैं, सॉरी उच्चकल, सतना से। इस तरीके से पढ़ रहे थे। अभी उस पिछली उसको मेंशन किया है, तो फिर अब थोड़ा देखना पड़ेगा ना। तो याद करो, कितने लोगों को याद है, कितनों को याद नहीं है? आपको याद नहीं है क्यों? हाँ, पढ़ लो सर, है ना। चलो आज ओलिकर डायनेस्टी देखेंगे, है ना। ओलिकर डायनेस्टी को समझिएगा। एमपी का वो लगा क्या, स्टार्टिंग में लगा है? देखो समझो फिर थोड़ा सा। गुप्त वंश के बारे में सुने हो? तो जब नॉर्थ इंडिया पे कहीं ना कहीं गुप्तों की सुप्रीमेसी थी, गुप्त लोग रूल करते थे, गुप्ता डायनेस्टी, उस समय में इनके कुछ सामंत थे। जैसे आपने एक पढ़ोगे यहां पे, मंदसौर उनका केंद्र था, मंदसौर तो उनकी राजधानी थी। मंदसौर को पुराने टाइम पे दसपुर या दासपुरा कहा जाता था। तो मंदसौर यानी कि दसपुर को केंद्र बना के ये जो है पश्चिमी मालवा में फैले हुए थे। यहां पे आपको एक डायनेस्टी मिलेगा जिसे आप क्या बोलोगे, ओलिकर डायनेस्टी। क्या बोलेंगे सर? ओलिकर डायनेस्टी मिलेगा। गुप्तों की फ्यूटरी याद रखना, उन्हीं के सामंत है। और अगर हम बात करेंगे तो ये जो पन्ना है ना, पन्ना, इसको केंद्र बना के एक राज्य इधर बुंदेलखंड में भी फैला हुआ था, जिसे आप बोलोगे परिव्राजक। क्या बोलोगे फिर इसको? परिव्राजक डायनेस्टी है फिर ये। तो ये पढ़ेंगे हम। और एक सतना, सतना में एक जगह है आज उछहरा, पुराने टाइम पे उसको उच्चकल्प बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? उच्च। तो ये जो तुम्हारा उच्चकल्प है, उच्चकल्प को केंद्र बना के कुछ लोग जो है ये वाले एरिया में रूल करते थे, इन्हें हम क्या बोलेंगे, उच्चकल्प वंश। क्या बोलेंगे? उच्चकल्प। तीनों में कॉमन चीज क्या है सर? गुप्तों के फ्यूडरी है, गुप्तों के सामंत है। सामंत समझते हो? जब कोई बड़ा राजा होता है, जैसे मान लो गुप्त जो है पूरे नॉर्थ इंडिया के सोवरीन रूलर थे, तो इन्हीं के गवर्नर थे अलग अलग, यानी कि सामंत थे। अब सामंत और राज्यपाल में थोड़ा सा अंतर होता है। जब भी हम सामंतवाद पढ़ेंगे प्राचीन भारत में, प्री मेडाइवल में, पूर्व मध्यकाल में, राजपूत काल में पढ़ना है, तब समझाएंगे। यहां पर सामंत समझो कि बड़े राजा के अधीन जो राजा होते हैं वो क्या होते हैं, सामंत। मतलब कोई बड़ा राजा है, उसका सबॉर्डिनेट जो रूलर है वो कौन है, उसका सामंत है, फ्यूडल है, याद रखना। तो चाहे तुम्हारे उच्चकल्प वाले हों जो बघेलखंड में फैले हुए हैं सतना को केंद्र बना के, चाहे पन्ना को केंद्र बना के जो परिव्राजक डायनेस्टी जो कि बुंदेलखंड में फैली हो, या हम बात करेंगे चाहे मंदसौर दसपुर को केंद्र बनाकर पश्चिमी मालवा में फैला हुआ वंश कौन सा, ओलिकर। ये सारे ही किनके फ्यूडरी हैं, गुप्तों के। किनके सामंत हैं, गुप्तों। तो आज हम ये वंश देख, ओलिकर, परिव्राजक और उच्चकल्प। किसी को कोई दिक्कत? चलो देखते हैं सर। ये जो ओलिकर वंश है, इसी को हम बर्मा वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बर्मा डायनेस्टी। मतलब इसी को ओलिकर बोल लो या इसी को क्या बोल लो, बर्मा डायनेस्टी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। इसको देखते हैं। एक्चुअल में दसपुर का एक राजा की हमको जानकारी मिलता है, जिसका नाम है सिंह वर्मा। क्या नाम है सर? सिंह वर्मा। और सिंह वर्मा का उल्लेख जो है
किया गया है समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त हमने आपको बताया था कि गुप्त राजा है और इसने पूरी नॉर्थ इंडिया को जो है जीता था। तो जिस समय समुद्रगुप्त मंदसौर जाता है तो यहां पे एक स्थानीय शासक था जिसका नाम क्या है, सिंहवर्मा। कहते हैं कि सिंहवर्मा जो है मंदसौर को केंद्र बनाकर इसके आसपास वाले क्षेत्र में क्या करता है, शासन कर। और ये पहला शासक है, फर्स्ट नॉन रूलर है ओलिकर डायनेस्टी का, फर्स्ट नॉन रूलर ऑफ ओलिकर डायनेस्टी, यानी कि ओलिकर वंश का प्रथम ज्ञात शासक। अगर कोई हमें जानकारी मिल रही है, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है ओलिकर डायनेस्टी के पहले राजा के बारे में, वो कौन है, सिंहवर भैया। और इसकी जानकारी भी कौन दे रहा है, बोलो, प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है, किसका है, समुद्रगुप्त का, इलाहाबाद में मिलेगा सर ये, प्रयाग में। इसमें लिखा है कि मंदसौर में किस राजा का शासन है, बताओ, सिंहवर्मा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ओलिकर वंश का पहला राजा जिसकी हमको जानकारी मिली वो कौन, सिंहवर्मा। और इसकी जानकारी समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति जो उसका इंस्क्रिप्शन है वहां से मिलती है। कहते हैं कि इसी सिंहवर्मा के दो बेटे हैं सर, एक चंद्रवर्मा है और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो नरवर्मा है। क्या नाम है सर बताओ जरा मुझे, चंद्रवर्मा और नरवर्मा। कहते हैं कि जो तुम्हारा चंद्रवर्मा है ये मालवा को छोड़ के मारवाड़ चला गया, कहां चला गया, मारवाड़, और मारवाड़ में अपना शासन स्थापित कर वहां पे राज्य करने लगा। मतलब एमपी में ओलिकर डायनेस्टी को आगे कौन बढ़ाएगा, नरवर्मा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो नरवर्मा को दिमाग में याद रखना। सिंहवर्मा के बाद दसपुर यानी कि मंदसौर का राजा कौन बना, नरवर्मा बना। नरवर्मा के बाद एक और इनका बेटा मिलेगा जिसका नाम है विश्ववर्मा। क्या नाम है सर, विश्ववर्मा। और विश्ववर्मा की जानकारी हमको इसका एक अभिलेख मिलता है मंदसौर से ही, गंगाधर अभिलेख। क्या मिलता है सर, बोलो, गंगाधर अभिलेख। और गंगाधर अभिलेख में ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो तुम्हारा विश्ववर्मा था ये अपने आप में स्वतंत्र राजा था। तो बड़ी दिक्कत वाली बात आ गई सर, क्योंकि आपने देखा है कि समुद्रगुप्त ऑलरेडी सिंहवर्मा को पराजित कर चुका है और इसे गुप्त साम्राज्य के अधीन ला चुका है। तो ये तो ओलिकर यहीं पर क्या हो चुके हैं, गुप्तों के अधीन हो चुके हैं। नरवर्मा भी गुप्तों के अधीन रहा है, ऐसा माना जाता कि हो सकता है समुद्रगुप्त की जब डेथ हुई तो तब कहीं ना कहीं विश्ववर्मा ने अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया। और इसीलिए इसका जो गंगाधर अभिलेख है जो मंदसौर से मिल रहा है उसमें इसने अपने आप को क्या बोला है, इंडिपेंडेंट रूलर बोला, हम किसी के अधीन नहीं, हम किसी के सबॉर्डिनेट नहीं। क्लियर है कि नहीं। विश्ववर्मा का लड़का इंपोर्टेंट है सर, और ये आपने सुना होगा हमेशा इंडियन हिस्ट्री में, बंधु वर्मा सुना है क्या, मंदसौर अभिलेख इसको थोड़ा सा देख लो। बहुत दिनों तक ओलिकर स्वतंत्र नहीं रह पाए क्योंकि बंधुवर्मा अपने आप को कुमार गुप्त का क्या बता रहा है, सामंत बता रहा है। मतलब कुमार गुप्त ने कहीं ना कहीं फिर से इनको अपने अधीन कर ली। तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में याद रखना, इसने खुद को किसका सामंत बताया है, जो गुप्त राजा कुमार गुप्त है। नाम सुना है ना कुमार गुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय वाला। क्लियर है कि नहीं। तो बंधुवर्मा कुमार गुप्त का क्या है, सामंत है। बंधुवर्मा का है इंपोर्टेंट है क्योंकि इसका मंदसौर अभिलेख बहुत इंपोर्टेंट है, इसका एक अभिलेख मिलता है। जिसका नाम क्या है, मंदसौर अभिलेख, या इसी को बोलते हैं दसपुर अभिलेख, क्योंकि मंदसौर का पुराना नाम क्या है, तो दसपुर अभिलेख या मंदसौर अभिलेख। पर ये मंदसौर अभिलेख का है इंपोर्टेंट है, देखो सर। कहते हैं कि बंधुवर्मा अपने राज्य में
आर्थिक गतिविधियां जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो बढ़ाना चाहता था। और इसने गुजरात में जो लाट प्रदेश पड़ता है ना, लाट, लाट एक जगह पड़ेगी कहां पे, गुजरात, तो लाट प्रदेश से इसने किसको मना बुलाया भैया, रेशम बुनकरों की एक श्रेणी, गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर। अब गिल्ड समझो श्रेणी क्या होती है, आपने हमेशा सुना होगा श्रेणी व्यवस्था, गिल्ड सिस्टम चलता था हमारे यहां पे, जिसका प्रमुख श्रेष्ठिन होता था। तो श्रेणी क्या होता है ये समझो पहले, समान कार्य करने वालों का समूह, समान कार्य करने वाले लोग समान श्रेणी में रखे जाते थे। हमको यह जानकारी उत्तर वैदिक काल से मिलना स्टार्ट हो जाती है और मौर्य काल पे बड़े स्तर पर हमें श्रेणियां देखने के लिए मिली। समान कार्य करने वाले लोग, एक दो तीन चार पांच, हम पांच लोहे का काम करते हैं, काय का काम करते हैं, लोहे का। तो हमारी एक श्रेणी बना दी जाएगी जिसे बोला जाएगा लोहारों की श्रेणी, गिल्ड ऑफ आयरन स्मिथ। एक दो तीन चार पांच छह, ये छह लोग करते हैं काय का काम बताओ जरा मुझे, सोने का। तो इनकी कौन सी श्रेणी हो गई, सुनारों की श्रेणी हो गई, गिल्ड ऑफ गोल्ड स्मिथ। ऐसे जो तेलकार, ऑयल स्मिथ, जो तेल को निकालने का काम करते थे, क्लियर है कि नहीं, बढ़ई का काम करने वाले थे उनकी अपनी श्रेणी। जो कुंभकारी यानी कि जो पॉटरी मेकिंग का काम करते थे, मटके घड़े वगैरह बनाते थे, मृदभांड बनाते थे, उनकी अपनी श्रेणी। मतलब समान कार्य करने वाले लोगों को एक समूह में रखा जाता था जिसे श्रेणी कहा जाता था। जो एक से काम कर रहे होंगे उनकी हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्या होती थी, श्रेणी होती। और जैसे हमारी लोहारों की श्रेणी थी, तो हम सारे लोहार मिलके एक व्यक्ति को अपना क्या बनाएंगे, श्रेणी प्रमुख, हेड ऑफ गिल्ड। और इसको कहा जाता था श्रेष्ठिन। अभी याद मत करो, सिर्फ सुन लो, क्योंकि ये पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे। अब देखो, हम लोहे का काम कर रहे हैं, ये वाले सोने का काम कर रहे, तो कहीं ना कहीं हम आर्थिक गतिविधियां चला रहे हैं कि नहीं राज्य में। तो राजा लोग हमको बुलाते थे दूसरे दूसरे राज्य के, बोला हमारे यहां पर आके काम करो, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। तमाम प्रकार की हमको छूटें मिलती थी ताकि हम लोग क्या हो, उससे आकर्षित हो और उनके राज्य में जाएं। क्योंकि जहां पे भी गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ, ऑयल स्मिथ वाले जो गिल्ड जाएंगी, श्रेणियां जाएंगी, वहां पे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएंगी कि नहीं बढ़ाएंगी। तो राज्य, राजा लोग हमेशा बुलाते थे दूसरे दूसरे राज्यों से श्रेणियों को कि बोला आओ और हमारे राज्य में रहो, हम तुम्हें जगह देंगे, हम तुम्हें तुमसे कम कर लेंगे, बस तुम तो हमारे यहां पर रहो। जैसे आज हम बुलाते हैं कि नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, एमएनसी कंपनी होती है, बुलाती है कि नहीं अलग अलग देश, बोला हमारे देश में आ जाओ। जैसे आजकल हम टेस्ला वालों के पीछे पड़ेंगे, प्लीज आ जाओ। टेस्ला वाला बोल रहा नहीं आएंगे सर, बोला चाइना में बनाएंगे, तुम्हारे यहाँ पे बेचेंगे। तो मोदी जी कह दिए कि नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं बेचेंगे। तो अभी वो कह रहा है कि हम सोच रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ पे कारखाना खोल। अरे नहीं पता, क्लियर है कि नहीं। तो हम बुलाते हैं कि नहीं, क्योंकि जब ये लोग जाएंगे लोहे का काम करेंगे तो आर्थिक गतिविधियां वहां पे बढ़ेंगी। तो ऐसे ही तुम्हारा जो बंधु वर्मा था, इसने गुजरात के लाट प्रदेश से कौन सी श्रेणी बुलाई, रेशम बुनकरों की, जो सिल्क वीवर होते हैं, जो रेशम से क्या बनाते हैं कपड़े, रेशमी कपड़े, सिल्क क्लॉथ वगैरह बनाते हैं, उनकी श्रेणी को बुलाया कहां पे, दसपुर। और ये भाई साहब रेशम बुनकरों की श्रेणी आई भी, रेशम बुनकरों की श्रेणी दसपुर में आई, यहां पे इन्होंने काम किया और इनके पास पैसा बहुत था, क्योंकि सारी श्रेणियों के पास अच्छा खासा पैसा रहता था। तो इन्होंने यहीं दसपुर में एक क्या बनवाया, सन टेंपल, सूर्य मंदिर। क्लियर है कि नहीं। तो इस अभिलेख में हमको जानकारी मिलती है कि रेशम बुनकरों ने दसपुर में क्या बनवाया था, एक सूर्य मंदिर बनवाया था, एक सन टेंपल बनवाया है। ऐसी सारी जानकारी हमको कहां से मिलती है, मंदसौर अभिलेख, या इसी को बोलते हैं दसपुर अभिलेख। इसका जो लेखक है, जो राइटर है, उसका नाम है बत्स भट्टी। क्या नाम है सर बोलो, बत्स भट्टी। जैसे आपने देखा प्रयाग प्रशस्ति भी एक अभिलेख है कि नहीं, उसका लेखक कौन, हरिसेन। ऐसी आपने पुलकेशिन सेकंड का एहोल इंस्क्रिप्शन महाराष्ट्र, रवि कीर्ति,
ऐसी मंदसौर जो इंस्क्रिप्शन है इसका राइटर कौन है? बत्स भट्ट। इससे जानकारी काई की मिलती है कि लाट गुजरात के लाट से आई हुई एक जो गिल्ड है रेशम बुनकरों की, उसने यहां पे क्या बनाया? सूर्य मंदिर बनाया। और इसी अभिलेख में बंधु वर्मा स्वयं को किसका सामंत बताता है? सर बोलो, कुमार गुप्त का। बोला कि हमारे राजा कुमार गुप्त है, जिनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय की पौनिधि यानी कि तलहटी से लेके दक्षिण में समुद्र तक, इन्होंने थोड़ा सा बड़ा चला के बोल दिया, बोला पूर्व में बंगाल से लेके पश्चिमी समुद्र यानी कि जो तुम्हारा अरब सागर यहां तक फैला हुआ। इस कुमार गुप्त का जो है साम्राज्य है उसको बता रहा है बंधु वर्मा, और अपने आप को सामंत बता रहा है किसका? कुमार गुप्त। अच्छा, जब हम हिंदी इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं या अदर पीसीएस के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें मंदसौर अभिलेख हमेशा किसका माना जाता है? कुमार गुप्त का। काहे? क्योंकि वो सोबरीन रूलर है, बंधु वर्मा उसी के अधीन है, सामंतों की कोई चीज उनकी नहीं मानी जाती थी, सब कुछ किसकी मानते थे? राजा की। क्लियर है कि अब तुमको क्या लगता है वो इलाहाबाद में समुद्रगुप्त खुद गया होगा वो बनवाने अभिलेख, उसी के कोई सामंत आमंत ने बनवाया? तो ऐसे ही दिमाग में याद रखना कि बंधु वर्मा ने बनवाया है मंदसौर अभिलेख, लेकिन कुमार गुप्त का इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हटाओ ना, क्या ये? क्लियर है कि नहीं? ठीक है बहन, अब हो गया, अब नहीं आएगा, फिर कर देंगे हाइडोल। समझ में आ रहा है सर? तो दिमाग में याद रखिएगा कि ये अभिलेख किसका है? बंधु वर्मा का। चूंकि बंधु वर्मा कुमार गुप्त का सामंत, इसलिए अभिलेख किसका कहा जाता है? कुमार गुप्त। किसी को कोई दिक्कत? कर पाओगे कि नहीं? चलो, तो याद रखना रेशम बुनकरों की श्रेणी के द्वारा सूर्य मंदिर बनवाए जाने का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में? मंदसौर। किसका है ये? बंधु। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो पहला राजा कौन था? सिंह वर्मा। सिंह वर्मा समुद्रगुप्त के कंटेम्पररी है और इसकी जानकारी समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, याद रखना फर्स्ट नॉन रूलर ऑफ ओलिकर डायनेस्टी, ओलिकर वंश का पहला ज्ञात शासक। सिंह वर्मा के दो बेटे चंद्र वर्मा नर वर्मा। चंद्र वर्मा गया कहां पे? मारवाड़। तो ओलिकर डायनेस्टी को कंटिन्यू कौन करेगा? नर वर्मा। क्लियर है कि नहीं? नर वर्मा का बेटा विश्व वर्मा, विश्व वर्मा जिसका एक अभिलेख है गंगाधर अभिलेख जो मंदसौर से मिल रहा है, और इसमें विश्व वर्मा को क्या बोल रहे हैं कि ये इसको कैसा एक इंडिपेंडेंट रूलर कंसिडर किया गया, बोला कि ये अपने आप में क्या था? एक स्वतंत्र राजा। लेकिन विश्व वर्मा का जो बेटा है बंधु वर्मा, ये फिर से किनका सामंत है? गुप्तों का। और गुप्त राजा कौन है इस समय? कुमार गुप्त। बंधु वर्मा का एक अभिलेख मिलता है आपको मंदसौर अभिलेख, या इसी को बोलते हैं दसपुर इंस्क्रिप्शन। मंदसौर इंस्क्रिप्शन जिसका राइटर कौन है? बत्स भट्टी। और इस अभिलेख में लिखा है कि लाट प्रदेश से आने वाली रेशम बुनकरों की श्रेणी ने दसपुर मंदसौर में सूर्य मंदिर का निर्माण करा है। इसी में बंधु वर्मा स्वयं को कुमार गुप्त का सामंत कह रहे। हो पाएगा सर? कर पाएंगे? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा बंधु वर्मा के बाद आप देखोगे अगला जो आपको यहां पर राजा देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा प्रकाश धर्मा। कौन मिलेगा? प्रकाश धर्मा। तो कोई इंपोर्टेंट व्यक्ति है, ऐसा मानने लगे कि अब यहां से जो है ओलिकर अपने आप को गुप्तों से स्वतंत्र करने का प्रयास करेंगे। और उसका कारण है प्रकाश धर्मा से पहले कुमार गुप्त के बाद स्कंद गुप्त आया, और स्कंद गुप्त की जैसी डेथ हुई तो गुप्त डायनेस्टी क्या पड़ गई थी? कमजोर। तो उनके सामंतों ने अपने आप को स्वतंत्र करना क्या कर दिया? स्टार्ट। जैसे गुप्तों में आपने सुना होगा श्री गुप्त पहला राजा घटोत्कच, दोनों ही सामंत थे ये कुफाड़ों के, ये स्वतंत्र राजा नहीं थे। फिर आया चंद्रगुप्त प्रथम, इसने बोला आज से कोई कुफान नहीं, हम अपने आप में क्या है? स्वतंत्र राजा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, इसने तो भैया क्या उत्तर क्या दक्षिण सभी जीत लिया था। समुद्रगुप्त के बाद बैठा कुछ समय के लिए रामगुप्त, रामगुप्त को हटा दिया उसी के भाई चंद्रगुप्त सेकंड जिसे विक्रमादित्य, नवरत्न जिसके दरबार में कालिदास वगैरह। चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा कौन है? कुमार गुप्त, जो बंधु वर्मा के क्या है? कंटेम्पररी। और कुमार गुप्त के बाद आएगा कौन? स्कंद गुप्त।
और स्कंद गुप्त गुप्त राज्य का अंतिम महान शासक है। स्कंद गुप्त के बाद गुप्तों का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया बिकॉज हूण इनवेशन स्टार्ट हो गया। इस टाइम आपने सुना होगा कि स्कंद गुप्त के टाइम पे पहली बार भारत पे हूणों ने आक्रमण किया, हूण इनवेशन हुआ खुश नवाज के नेतृत्व में, लेकिन स्कंद गुप्त इनको पराजित कर देता है क्योंकि स्कंद गुप्त पावरफुल व्यक्ति है, गुप्त पावरफुल है। लेकिन जैसे ही स्कंद गुप्त का डेथ हुआ तो हूणों ने दोबारा से भारत पे आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, और अब ऐसा कोई गुप्त राजा नहीं था जो हूण इन्वेजन को रजिस्ट कर सकता था, रोक सकता था। तो आपने देखा होगा तोरमाड़, मिहिरकुल, इन्होंने सफलतापूर्वक भारत को जीता। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये वो टाइम है प्रकाश धर्मा का, जब हूण इन्वेजन चल रहा है भारत में, गुप्त साम्राज्य धराशायी हो रहा है, हूणों को रोकने वाला कोई नहीं है, सब जो सामंती राजा थे वो अपने अपने क्षेत्र की स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कर। तो भारत को जो पहला हूण जिसने सफलतापूर्वक जीता वो था तोरमाण। कौन था? तोरमाण। तो तोरमाण ने इस पर अटैक कर दिया था प्रकाश धर्मा पे। किसने अटैक किया बोलो? तोरमाण हूण ने। याद रख, हूण अगर जानना चाहो पढ़ेंगे खैर इंडियन हिस्ट्री में, तो ये भी सेंट्रल एशियाई एक जाति थी। कहां की थी ये? सेंट्रल एशिया। और मैंने बोला कि जब से चीन की दीवार बनी है ना, तब से वहां पे भयंकर दंगल मचा हुआ है मध्य एशिया में, क्योंकि चाइना की तरफ जा नहीं पा रहे तो आपस में लड़ रहे हैं। तो वहां पे जो शक्तिशाली होता है वो तो मध्य एशिया में रुकता है, और जो कमजोर होता है वो वहां से भागेगा। जैसे अफगानिस्तान में, उज्बेक और मुगल लड़ रहे थे, बाबर वगैरह, तो उज्बेक बार बार मुगल को पीट रहे थे कि नहीं, तो मुगल निकल के कहां पे आ गए? भारत। बोला तुम रखो अपने पास। ऐसे पहले हूणों ने पीट के भगाया था किनको बताओ? कुफाणों को। और अब हूणों को पीट रहे हैं कौन? तुर्क और मंगोल। तो ये तुम्हारे हूण वहां से निकलेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? और हूण वहां से निकल के आए भारत में, सबसे पहले आए थे खुश नवाज के नेतृत्व में, स्कंद गुप्त के टाइम पे इन्होंने अटैक किया, लेकिन तब गुप्त साम्राज्य बड़ा था, इंटीग्रेटेड था, तो स्कंद गुप्त ने इनको पीट दिया। बताऊंगा बहुत सारे अभिलेख भीतरी कहूं, इनसे हमको जानकारी मिलती है। लेकिन जब स्कंद गुप्त की डेथ हुई, गुप्त लोग कहीं ना कहीं कमजोर हुए, तो इसका फायदा फिर से हूण उठाएंगे, और इस बार तोरमाण के नेतृत्व में भारत पे आक्रमण हुआ, गुप्तों को पराजित किया तोरमाण ने, और उत्तर भारत के एक बहुत बड़े राज्य पर क्या कर लिया? अधिकार। दक्षिण की तरफ जैसी, आपने सुना होगा भानुगुप्त का नाम, सुना है क्या? फती प्रथा का साक्ष्य, एरण अभिलेख। तो वो जो उनका मर गया था ना सेनापति, क्या नाम था? गोपराज। वो तोरमाण से लड़ता हुआ मारा गया था। लेकिन वो कौन सा एरिया? पूर्वी मालवा यानी कि सागर वाला। पश्चिमी मालवा में कौन है? ओलिकर। तो उन्होंने पूर्वी मालवा भी जीत लिया था, अच्छा खासा क्षेत्र, नॉर्थ इंडिया का अच्छा खासा क्षेत्र जीत लिया था। लेकिन जब ये पश्चिमी मालवा की तरफ आए, मंदफौर की तरफ आए, तो यहां पे कौन मिला? प्रकाश धर्मा। प्रकाश धर्मा ने तोरमाण हूण को बहुत मारा तबीयत से इसको। तोरमाण ओलिकर डायनेस्टी को जीतने में क्या रहा? असफल। तो याद रखना, प्रकाश धर्मा ने कौन से हूण शासक को पराजित किया? तो याद रखना तोरमाण हूण, इसे क्या किया इन्होंने? पराजित किया। ये पहला हूण शासक है जिसने भारत को सफलतापूर्वक जीता, याद रख। और सर काई के लिए इंपोर्टेंट है सर, ये जो इसने हूणों को पीटा, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, अपने मुंह से कुछ भी बोल रहा हूं, इसका बकायदा हमको एक अभिलेख मिलता है मंदसौर से, रिफ्तल एक जगह पड़ेगी वहां पे, जिसे बोलते हैं रिफ्तल इंस्क्रिप्शन, रिफ्तल अभिलेख। प्रकाश धर्मा का एक अभिलेख मिलेगा जिसे क्या बोलेंगे हम? रिफ्तल अभिलेख। और रिफ्तल अभिलेख से जो है तोरमाण को पराजित किया है, ऐसी हमको जानकारी मिलती है। तो रिफ्तल अभिलेख का संबंध किससे है बताओ? बोलो, ओलिकर शासक प्रकाश धर्मा। यही नहीं सर, इन्होंने यही मंदसौर रिफ्तल में जो है एक मंदिर बनवाया सर, मंदिर का नाम है प्रकाशेश्वर शिव मंदिर। तो मंदसौर में इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया बताओ? शिव जी को समर्पित प्रकाशेश्वर शिव मंदिर। यही नहीं सर, यही रिफ्तल मंदसौर में इन्होंने विभीषण तड़ाग, तड़ाग का मतलब होता है तालाब, जैसे आपने सुना हुआ बैल्ब तड़ाग, ऐसे ही तड़ाग का मतलब क्या? तालाब। तो याद रखना इन्होंने कौन सा, बोलो,
कौन सा तालाब बनवाया? विभीषण तड़ाग। तो इनके दो निर्माण कार्य इंपोर्टेंट याद रखिएगा। सबसे पहले तो तोरमाण हूड को हराया, ऐसी जानकारी मिली रिश्तल। रिश्तल अभिलेख किसका है? प्रकाश शर्मा। फिर सर इसके बाद इसने रिश्तल में प्रकाशेश्वर शिव मंदिर को बनवाया और रिश्तल में ही इसने किसको, बताओ जरा मुझे, विभीषण तड़ाक। किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा, कर लोगे? फिर से देखो, पहला राजा कौन था? सिंह वर्मा। समुद्रगुप्त के कंटेम्पररी है और समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है उससे इसकी जानकारी मिलती है। सिंह वर्मा का जो बड़ा बेटा चंद्र वर्मा वो कहां पे गया? मारवाड़ राजस्थान। हमारे यहां पे कौन रह गया? नर वर्मा। नर वर्मा का बेटा विश्व वर्मा, इसका अभिलेख गंगाधर अभिलेख। इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि यह अपने आप में क्या था? स्वतंत्र राजा। विश्व वर्मा के बाद कौन आएगा? बंधु वर्मा। किसका सामंत है? जानकारी किस अभिलेख से? मंदसौर या दसपुर। तो इस अभिलेख का राइटर कौन? वत्स भट्ट। कर पाएंगे सर? और इस अभिलेख से और क्या जानकारी मिलती है? लाट से आई, गुजरात के लाट से आई रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने क्या बनवाया? मंदसौर में सन टेंपल। कर पाओगे? बंधु वर्मा के बाद प्रकाश सर। भारत को जीतने वाला जो पहला हूड शासक है तोरमाण, उसको किस ओलिकर राजा ने पराजित किया? प्रकाश सर। कर पाएंगे सर? इसके बाद इसका अभिलेख कौन सा? रिस्टल। इसी अभिलेख से जानकारी मिल रही है किसने हूड़ों को पीटा। तीसरी चीज भैया, रिस्टल मंदसौर में इसने प्रकाशेश्वर शिव मंदिर और विभीषण तड़ाग तालाब जो है इसने बनवाया। और बस अब इस वंश का आएगा महानतम राजा, देखिएगा, जिसका नाम क्या है? यशो धर्मन, या इसी को यशो वर्मन बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? या इसी का एक और नाम मिलता है विष्णु वर्मन। क्या मिलेगा बताओ जरा मुझे? विष्णु वर्मन। पहले तो लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में। ये इस वंश का महानतम या कहिएगा सबसे पावरफुल रूलर है, याद रखिएगा। गॉट GOT, ठीक है। तो इस डायनेस्टी का सबसे महान, सबसे शक्तिशाली राजा कौन? यशो वर्मा। और ऐसा हम काहे कह रहे हैं ये थोड़ा समझिएगा सर। क्या? हाँ वही है जी, लाइव है ये क्लास, है ना? लाइव है, लाइव है। मैसेज छोड़ दिया करो सर, कमेंट्स देखते रहा करो। नहीं छोड़ दिया? तिवारी ठीक हो? तिवारी हमारे मित्र हैं, पहले आई मैग्नस में क्या थे तुम? डायरेक्टर। यार इनका इतना डिमोशन हुआ है, भोपाल ब्रांच में डायरेक्टर थे, मेरे को पर्सनली बुरा लगता है इनके लिए। कोई बात नहीं है तिवारी, चलो। तो देखो भैया, यशो वर्मन को, यशो धर्मन को देखते हैं। अच्छा देखो, हूड़ों का थोड़ा सीन देख लीजिएगा। मध्य एशिया से जो पहला हूड़ आया था उसे बोलते हैं खुफनवाज। खुफनवाज के ये क्या जीत पाया था? स्कंद गुप्त के टाइम पर अटैक किया था। फिर आया कौन? तोरमाण। हाँ इसने जीत लिया था। तोरमाण का जो बेटा था मिहिरकुल, इसका नाम सुना होगा, ये बहुत बेकार व्यक्ति है मिहिरकुल हूण, जैनों से तो बहुत नफरत करता था ये। इसने सैव धर्म को अपना लिया था, सैव था ये, सैविस्ट, और इसके बाद जैनों के पीछे पड़ गया था ये। तो जैन वाले बोलते थे कि ये भैया हमारे लिए क्या है? अभिशाप है, कर्स, मतलब श्राप है ये हमारे लिए। तो ये खतरनाक व्यक्ति था। इसको कहा गया कि भैया ये मलिक्षों में मलिक्ष है, जैन लोग बहुत बुराई करते हैं। क्या? नहीं, मलिक्ष नहाने से संबंध नहीं है, मलिक्ष मतलब विदेशी। हमारे यहाँ पे जो विदेशी आए उनको क्या बोला? मलिक्ष। और विदेशी हमारे आए कहां से थे? सब मध्य एशिया से, तो वो नहीं नहाते थे, और वो नहाते नहीं थे तो बड़े गंदे रहते थे। तो गंदे रहने वाले लोगों के लिए पर्याय बन गया क्या? मलिक्ष। तो तुम दो दिन मत नहाना तो मम्मी यही बोलेंगी तुमसे, मलिक्ष हो क्या? मेरी मम्मी बहुत बोलती थी, है ना, मलिक्ष। तो मलिक्ष मतलब गंदा रहने वाला व्यक्ति। एक्चुअल में
विदेशी आते थे तो वो अलग ही तरीके से रहते थे। हमारे यहाँ पे सबसे फूट वूट वाले विदेशी यूरोपियन सी आए हैं वो अंग्रेज वंग्रेज वो अच्छी तरीके से आए थे। बाकी तो ये जितने भी फक कुफाड़ हुड़ाए मध्य एशियाई थे तो बर्बर थे, ये क्या नहाने धोने में, और ठंड से आए थे तो वैसे उनकी आदत नहीं थी नहाने की। अनुराग ये तारीफ है आप नहीं समझेंगे, है ना। तिवारी हमारा लोकप्रिय मेंबर है हमारा, जब भी किसी टीचर को सब्जेक्ट में इशू आती तो तिवारी के पास जाएंगे, तिवारी बताओ क्या करें। सारे फुल किसी को किताब नहीं मिल रही तो तिवारी फुल, तिवारी यार किताब बताओ इसके लिए अच्छी। तो तिवारी मतलब समझ रहे एकदम पितामा भीष, सारी सोल्यूशन इनके पास है ना। तो तिवारी का अपना इम्पोर्टेंस है हम लोगों के बीच में। तिवारी कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, बोला हम कोचिंग जा रहे हैं तो फिर सारे टीचर प्लीज तिवारी मत जाओ यार, तिवारी को भी हल्के में मत लेना है। क्या क्या हो गया मैडम, कोचिंग तिवारी? नहीं नहीं वो मैडम पूछ रही है तुम्हारे बारे में। चलो ठीक है फिर, अभी किसको पढ़ते हैं देखो यशोधर। तो याद रखना मिहिर कुल हूड़ ने आक्रमण किया था इस पर, किसने आक्रमण किया था? मिहिर कुल हूड़ ने, और मिहिर कुल हूड़ को इसने क्या कर दिया था? पराजित। ओलिकर वाले नहीं दब रहे सर, याद रखना। इधर कोई भी आया पश्चिमी मालवा में तो पिटा है, मंदफौर के ओलिकरों ने सारे हूड़ों को पराजित किया, चाहे तुम्हारा तोरमाड़ हो चाहे तुम्हारा ओलिकर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा दिमाग में याद रखना कि हूड़ शासक किसको पराजित किया। हाँ तो ऐसी जानकारी भी तो किसी अभिलेख से मिल रही होगी, तो इनका अभिलेख फर्क करो एक अभिलेख। अरे रुक जाओ, सोंदड़ी अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? जो ग्वालियर अभिलेख है ना वो मिहिर कुल का है। अब वो थोड़ी ना ऐसे अभिलेख में लेगा बोला हमको मारा था, अपने अभिलेख में तो अपनी आदमी क्या करेगी, तारीफ करेगा। ठीक है, अगर उसकी बेइज्जती देखनी है तो कहां जाओ, उसके शत्रु के अभिलेख में जिसने मारा था। ठीक है कि नहीं? तो सोंदड़ी जो अभिलेख है ये मंदफौर से मिलेगा आपको, है ना, इसलिए कभी कभी इसको भी मंदफौर अभिलेख बोल देते हैं। सोंदड़ी अभिलेख से जो है हमको जानकारी मिलती है कि तुम्हारे यशो धर्मा ने कौन सा हुड़ शासक था? मिहिर कुल हुड़ को पराजित कर पाओगे कि नहीं? सोंदड़ी इंस्क्रिप्शन इंपोर्टेंट है, कहां मिलेगा ये भी? मंदफौर हो जाएगा। दिमाग में याद रखना कि सोंदड़ी अभिलेख का जो राइटर है जो लेखक है उसको बासुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बासुल। क्लियर है कि नहीं? देखो तो जिनके मिल जाते हैं उनके हम लिख लेते हैं, जैसे हमने मंदफौर जो दफपुर इंस्क्रिप्शन था उसका कौन था? बत्स भट्टी। ऐसी जो सोंदड़ी इंस्क्रिप्शन है उसका राइटर कौन है? बासुल। और इस अभिलेख में यशोधर्मा की बहुत तारीफ की गई। सबसे पहले तो यशोधर्मा का साम्राज्य बताया, ये देखो कहां कहां तक फैला था, उसके सैन्य अभियान का अंदाजा लगाना आप। ये लोग कहते हैं कि भाई साहब पश्चिम में पश्चिमी समुद्र से लेके यानी कि अरब सागर से लेके ये भारत है, ठीक है, तो यहां से लेके पूर्व में अगर आप जाओगे तो ब्रह्मपुत्र नदी तक, कहां तक बोलो? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी को इन्होंने लोहित बोला है। क्या बोला है? लोहित। हाँ वो आज वाली लोहित नहीं है, ब्रह्मपुत्र का ही पुराना नाम क्या था? लोहित। अभी तो उसकी ट्रिब्यूटरी भी क्या है? लोहित। क्लियर है कि नहीं? तो पश्चिम में कहां से? गुजरात पूरा यहां से लेके पूर्व में ब्रह्मपुत्र यानी कि लगभग बंगाल तक है। क्लियर है कि नहीं? हालांकि असम के ब्रह्मपुत्र बोला है, असम तक कहीं ना कहीं बोला कि उत्तर में जो, उत्तर में जो तुम्हारा हिमालय है, हिमालय की तलहटी से लेके दक्षिण में अगर हम बात करेंगे तो जो महेंद्रगिरी पर्वत है, कौन सा पर्वत? महेंद्र। और ये महेंद्रगिरी पर्वत कहां मिलेगा? पूर्वी घाट, उड़ीसा के आसपास, उड़ीसा आंध्र पूरा ये क्षेत्र इनके जो है अधीन था। तो इनका साम्राज्य अगर हम आइडिया लगाएंगे तो देखो यहां से लेके लगभग ये पूरा है और यहां से लेके ये पूरा, गुप्तों से बड़ा है सर। गुप्तों का सिर्फ नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में नहीं थे गुप्त। और इसीलिए भाई साहब इस अभिलेख में कहता है सर यशोधर्मा कि मेरी आज्ञाओं का पालन वहां पे भी होता था
जहां पे कभी गुप्तों की आज्ञा का पालन नहीं हुआ। तो उसकी ये बात भी बता रहा है कि भाई साहब हाँ गुप्तों से बड़ा साम्राज्य जिसने स्थापित कर दिया। लेकिन समस्या ये कि यशोधर्मन के उत्तराधिकारियों की जानकारी उतने बड़े स्तर पर हमको नहीं मिलती। जैसे हालांकि मिलते हैं, जैसे कृष्ण वर्मा करके एक राजा मिल जाता है इनका, तो मिल जाते हैं। लेकिन यो भी है, यशोधर्मा की मृत्यु के बाद अलीकर डायनेस्टी तीव्रता के साथ क्या हुई, पतित हुई। स्थानीय शासक निकल के आए, दक्षिण में पल्लव निकले, राष्ट्रकूट निकले, भैया चोलचेर निकले, उत्तर में भी गुर्जर प्रतिहार वगैरह, बंगाल में पालवाल निकल के आ गए। तो बहुत जल्दी अलीकरों की सत्ता क्या हो गई, धराशायी। तो ये थोड़ा सा याद रखना। और भैया फिर आपको पता है कि यही वो टाइम है कि हर्षवर्धन इससे पहले राइज कर चुका है, तो अलीकर बहुत लंबे समय तक रूल नहीं कर पाए। प्रकाश धर्मा की मृत्यु के बताते कि 50-60 साल के अंदर ही जो इनका पूरा साम्राज्य क्या हो गया, डिक्लाइन। क्लियर है कि नहीं? तो यहां तक तुमको दिमाग में याद रखना था, यशो वर्मन ने किसको, मिहिर कुल हुड को हराया। जानकारी सोंदरी इंस्क्रिप्शन मंदसौर, राइटर बाफुल, इसमें बोला है कि इसका साम्राज्य पश्चिम में पश्चिमी समुद्र, पूर्व में ब्रह्मपुत्र लोहित नदी, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में महेंद्रगिरी। किसी को कोई दिक्कत है सर? चलो इसके दो छोटे छोटे राजाओं को और थोड़ा सा दिमाग में याद रख लो, फिर इसको खत्म करते हैं। एक तो याद रखना सर, कुमार वर्मा, कहते हैं कि ये माहिष्मती के कलचुरियों से युद्ध किया था। इस कलचुरी डायनेस्टी पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो कलचुरी आपने कहां से पढ़े होंगे, त्रिपुरी वाले, कहां से पढ़े, त्रिपुरी यानी कि जबलपुर के कलचुरी। लेकिन जबलपुर में जो है माइग्रेट किए थे, उससे पहले कहां पे रहते थे, माहिष्मती। जब माहिष्मती में इनको पीटेगा पुलकेसिन सेकंड, चालुक्य का चाचा है मंगलेश, जब वो इनको मारेगा माहिष्मती महेश्वर में, तो फिर यहां से निकल के कहां चले जाएंगे, जबलपुर, फिर ये कहलाएंगे त्रिपुरी के कलचुरी, बाद में पढ़ाऊंगा। तो माहिष्मती के जो कलचुरी शासक थे वो थोड़े शक्तिशाली होने लगे हैं, और उनसे कौन लड़ेगा, कुमार वर्मा लड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? सफलतापूर्वक माहिष्मती के कलचुरियों को इसने पराजित कर दिया था। कुमार वर्मा के बाद एक और राजा मिलता है, कृष्ण वर्मा। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है, लेकिन ये आखिरी अलीकर शासक है जिसके बारे में जानकारी मिलती, लास्ट नोन रूलर ऑफ अलीकर डायनेस्टी। इसके बाद हमें किसी भी अलीकर शासक की जानकारी नहीं मिलती। कर पाओगे कि नहीं? तो कुमार वर्मा और कृष्ण वर्मा ये परवर्ती काल में यानी कि पोस्ट अलीकर पीरियड में हुए हैं, तो इनको भी थोड़ा सा दिमाग में याद रखना। कुमार वर्मा किससे लड़ेगा, माहिष्मती के कलचुरियों से। माहिष्मती समझते हो, महेश्वर खरगोन। क्लियर है कि नहीं? और जो तुम्हारा कृष्ण वर्मा, ये किनसे, ये संभवतः क्या है, अंतिम राजा है, क्योंकि इसके बाद किसी भी अलीकर राजा की जानकारी नहीं मिलती। किसी को कोई दिक्कत है सर? हो गया। तो पहला ज्ञात शासक कौन है अलीकर डायनेस्टी का, उसके बाद नर वर्मा के बाद विश्व वर्मा, गंगाधर अभिलेख, विश्व वर्मा के बाद बंधु वर्मा, मंदसौर या दसपुर अभिलेख, बत्स भट्टी, रेशम बुनकरों ने सूर्य मंदिर बनवा, कुमार गुप्त का सामंत। बंधु वर्मा के बाद प्रकाश धर्मा, हुड शासक तोरमाड़ को पराजित किया। जानकारी रिस्तल इंस्क्रिप्शन, तो रिस्तल में प्रकाशेश्वर शिव मंदिर और विभीषण तड़ाग। फिर आया इसका बेटा यशोधर्म, यशोधर्मा, इसने हुड शासक मिहिर कुल हुड को पराजित। जानकारी सोंदड़ी इंस्क्रिप्शन मंदसौर, राइटर बासुल। और इसमें क्या बताया गया है बोलो, एक तो यशोधर्मा का साम्राज्य कितना फैला है, और दूसरा बोल रहे हैं कि जहां गुप्तों का शासन भी नहीं था, भापे भी हम क्या करते हैं, शासन करते। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद याद रखना, ये कुमार वर्मा जो शायद माहिष्मती के कलचुरियों से लड़ा, कुछ समय के लिए कलचुरियों को रोका है उसने, और इनके बाद आएंगे कौन, कृष्ण वर्मा। ये अंतिम अलीकर राजा है, इनके बाद हमें अलीकरों की जानकारी नहीं मिलती। किसी को कोई दिक्कत, कोई भी डाउट है तो सर पूछ लो। हो गया फिर अलीकर डायनेस्टी, कर लोगे, हो जाएगा ना? कितने लोगों को अलीकर डायनेस्टी याद हो गया अभी के अभी, बता दें जो, हाथ सोच समझ के उठाना, पूछ लूंगा क्योंकि मैं तुरंत, बता दोगे ना? चलो बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे परिव्राजक डायनेस्टी। कौन सा वंश पढ़ेंगे, परिव्राजक। देखो फिर से, परिव्राजक वंश मैंने कहां बताया था, कहां पे रूल करता है, मेनली कहां पे कर रहा है, देखो बुंदेलखंड वाला एरिया, लेकिन इनका केंद्र क्या है, सेंटर क्या है, पन्ना। तो पन्ना को राजधानी बना के लगभग ये बुंदेलखंड वाले एरिया में रूल कर रहे हैं।
अच्छा मैं अभी पहले बता देता हूँ कि इनमें एक राजा आएगा हस्तिन, उसके बारे में कहा गया है कि उसने डाहल यानी कि जबलपुर, जबलपुर को क्या बोलते थे डाहल, जबलपुर के बहुत सारे नाम मिलेंगे, त्रिपुरी, त्रिपुरी को ही अलबरूनी ने तिहोरी बोल दिया, क्या बोल दिया तिहोरी, तेवर, डाहल प्रदेश भी किसको बोलते हैं जबलपुर, तो बाद में इन्होंने जबलपुर भी अपने अधिकार में ले लिया था, क्लियर है कि नहीं। तो यहां से भी जानकारी साथ ही सतना से इनके कुछ अभिलेख मिलते हैं, ये सतना में एक जगह है खो, खो का शिव मंदिर पड़ा होगा आपने, गुप्तों का एक मंदिर है, शिव मंदिर है खो, भूमरा का शिव मंदिर, क्लियर है कि नहीं, हाँ नागौद सतना, तो याद रखना ये खो का शिव मंदिर, सॉरी खो भूमरा, इन क्षेत्रों से इनके अभिलेख मिल रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि खो और भूमरा वाले जो एरिया है सतना के वो भी किसके अंडर में रहे हैं, परिव्राजक। अब एक्चुअल में क्या है, खो और भूमरा से उच्चकल्प वंश के भी क्या मिल रहे हैं अभिलेख, तो देखो ये थोड़ा सा बाउंड्री वाला एरिया है इन दोनों के लिए, तो संघर्ष इनके आपस में क्या हो रहा होगा, चलता रहा, कभी ये हमारे लिए कश्मीर पाकिस्तान के लिए हो जाता है, कभी हम उस पर अधिकार, कभी वो कर लेते, क्लियर है कि नहीं। तो ऐसा दिमाग में याद रखना, इनका साम्राज्य, इनके राज्य बोलेगा तो कौन सा है, पन्ना कैपिटल है और पूरे बुंदेलखंड में ये फैला हुआ, थोड़ा बहुत फतना का एरिया इसमें आता, किसी को कोई दिक्कत कर पाओगे। चलो अब परिव्राजक को थोड़ा समझते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन निकल के आया कि आखिर में परिव्राजक लोग थे कौन, किसके सामंत थे, कैसे सामंत थे, स्वतंत्र राजा थे, क्या थे, कुछ तो जानकारी मिले। तो हमने एक बात तो पता कर ली कि ये स्वतंत्र राजा तो नहीं थे, सामंत थे कि नहीं किसी ना किसी के, पर आपने ऐसे कैसे पता कर लिया, वो हमने ऐसे पता कर लिया क्योंकि जितने भी परिव्राजक वंश के अभिलेख मिल रहे हैं उन अभिलेख में जो राजा मिल रहे हैं वो राजा अपने नाम के साथ जो टाइटल जो उपाधि धारण कर रहे हैं वो महाराज की, किसकी, महाराज, और महाराज उपाधि होती थी सामंतों की, स्वतंत्र राजा की उपाधि होती थी महाराजा धिराज। तो कभी भी राजा के साथ महाराजा धिराज मिल जाए तो समझ जाओ ये अपने आप में सोवरीन रूलर, ये किसी का सबॉर्डिनेट नहीं है, और अगर किसी राजा के साथ महाराज मिले तो समझ जाओ ये कौन है, एक कोई फीडटरी है किसी का, सामंत है। सामंत लोग उपाधि धारण करते हैं महाराज की, और महाराजों का अधिराज, अधिराज का मतलब स्वामी, उसे बोलते थे महाराजा धिराज, महाराजाओं का अधिराज, अधिराज मतलब स्वामी, जिसके अधीन में महाराजा है वो कौन, महाराजा धिराज। तो स्वतंत्र राजा हमेशा महाराजा धिराज की उपाधि धारण करता था, और उसके जो सामंत हुआ करते थे वो महाराज की उपाधि धारण करते थे। तो जितने भी परिव्राजक रूलर हैं सब का वो कौन सा टाइटल होल्ड कर रहे हैं, महाराज का। तो एक बात तो क्लियर की है, अपने आप में सोवरीन रूलर नहीं थे, इंडिपेंडेंट रूलर नहीं थे, फ्यूडरी है किसी ना किसी के, फ्यूडल से सामंत। अब सर सामंत किसके, दूसरा क्वेश्चन ये, तो भैया ज्यादातर अभिलेखों में जो परिव्राजक लोग हैं वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं, गुप्त निप राज्य भुक्तो, क्या बोल रहे हैं सर, गुप्त निप राज्य भुक्तो। गुप्त तो गुप्त राजा से निकला है, निप बड़ बिगड़ा हुआ है नृप का, नृप मतलब समझते किंग को बोलते हैं, राजा, राजा क्या बोलते हैं नृप, तो नृप से बिगड़ा हुआ रूप क्या है निप, तो गुप्त राजा, गुप्त नृप राज्य भुक्तो, गुप्त राजा के राज्य का भुक्तो, भुक्तो होता है देखो, तो भुक्ति बोलते हैं प्रांत को, प्रदेश को, भुक्ति किसको बोलते हैं, प्रदेश, प्रांत को। जैसे मेरा पूरा मान लो साम्राज्य है और उसमें एक मध्य प्रदेश क्या है, प्रांत है, तो मध्य प्रदेश मेरे लिए क्या है, भुक्ति है, मेरा क्या है, प्रांत है। तो अपने आप को क्या बोल रहे हैं वो, गुप्त निप राज्य भुक्तो, यानी कि गुप्त राजा के राज्य का एक हम क्या है, भुक्ति के प्रमुख यानी कि सामंत। तो इन दो चीजों ने फिर क्लियर कर दिया कि एक तो सामंत्य और सामंती भी किसके हैं, गुप्तों के। तो परिव्राजक किनके फ्यूडल हैं बताओ जरा मुझे, गुप्तों, किसी को कोई दिक्कत हो पाएगा, तो ये दो पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में याद रख।
अच्छा, और हम दृढ़ता से कैसे कह सकते हैं गुप्तों के सामंत हैं, क्योंकि ये चला रहे हैं अपने राज्य में गुप्त कैलेंडर। आपने चंद्रगुप्त प्रथम का नाम सुना होगा, जब उसका कॉरोनेशन, जब वो गद्दी पर बैठा 319 BC में, इस टाइम पे उसने एक कैलेंडर जारी किया था जिसे गुप्त कैलेंडर, गुप्त संवत बोलते, 319 BC में। तो अब जितने भी गुप्तों के अधीनस्थ राजा होंगे वो सब अपने राज्य में कौन सा कैलेंडर चलाएंगे, गुप्तों का कैलेंडर चलाएंगे, और जो स्वतंत्र है वो अपना कैलेंडर बनाता था। याद रखना, जैसे फको ने अपना कैलेंडर बनाया, विक्रमादित्य ने अपना कैलेंडर बना लिया, गुप्त अपना कैलेंडर बना लिया। तो जो स्वतंत्र होते थे, देखो ना तो श्री गुप्त का अपना कैलेंडर, ना घटोत्कच का अपना कैलेंडर, चंद्रगुप्त प्रथम का ही अपना कैलेंडर, काहे काहे कि वो पहला स्वतंत्र गुप्त राजा है। तो जब भी कोई राजा स्वतंत्र होता था तो अपना स्वयं का कैलेंडर क्या करता था, जारी, समय को अपने हिसाब से चलाता था। तो भाई साहब, परिव्राजकों के राज्य में गुप्त कैलेंडर का चलना हमको यह बताता है कि कहीं ना कहीं ये किनके सामंत थे, गुप्तों। समझ गए कि नहीं? तो महाराजा की उपाधि बता रहे हैं सामंत है, गुप्तों का कैलेंडर इनके राज्य में चल रहा है, तो पता चला गुप्तों के सामंत थे, और साथ ही में अपने अभिलेखों में क्या बोल रहे हैं, गुप्त निव राज्य भुक्तो, गुप्त राजा के राज्य का भुक्ति का प्रमुख सामंत, यानी क्लियर है कि नहीं? खैर जो भी है, देखो सर, इस डायनेस्टी के पहले राजा आप दिमाग में याद रख लो, एक हमको राजा मिलता है सुफर्मन, क्या नाम है बताओ जरा, सुफर्मन, सुफर्मन नामक राजा की जो है जानकारी मिलती, सुफर्मन के बाद एक और राजा की हमको जानकारी मिलती है जिसे देवाध्याय बोला गया, क्या बोला, देवाध्याय, या इसी का नाम देवदाय मिल जाएगा कहीं जगह पे, क्या मिल जाएगा, देवदाय। तो देवदाय या देवाध्याय करके एक राजा मिलता है इस डायनेस्टी का हमको, परिव्राजक का। यही नहीं सर, इसी डायनेस्टी में एक प्रभंजन करके राजा मिलता है, इसको बोला गया महाराज प्रभंजन। प्रभंजन के बाद आप देखोगे एक और मिलेगा इसी डायनेस्टी में, दामोदर, महाराज दामोदर। इसी डायनेस्टी में ये वाला शायद आपने कभी सुना हो, हस्तिन, सुना है क्या? ये हस्तिनापुर वाला नहीं है हस्तिन, ये परिव्राजकों का हस्तिन है जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, इसके कुछ अभिलेख मिलेंगे बताऊंगा मैं आप। तो महाराज हस्तिन की भी जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है बताओ जरा मुझे, महाराज हस्तिन, ये इंपोर्टेंट व्यक्ति है, क्लियर है कि नहीं? और एक और राजा मिलेगा आपको लास्ट, जिसका नाम है संकशोभा, क्या नाम है, संकशोभा, या इसी को आप ज्यादातर जगह पे जिस नाम के साथ जानोगे वो है संक्षोभा, क्या नाम है, संक्षोभ, एक्चुअल में संकशोभा बिगड़ा हुआ नाम क्या हो गया, संक्षोभ। तो इन राजाओं की हमें जानकारी मिलती है परिव्राजक डायनेस्टी में, इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कौन कौन से हैं भैया, देखो सुफर्मन जो इस वंश का पहला कोई आदि पुरुष टाइप व्यक्ति मिल रहा है, आदि पुरुष मतलब वंश का पहला व्यक्ति, सुफर्मन के बाद देवाद्या, या इसी को क्या बोलते हैं, देवदाय, इंपोर्टेंट व्यक्ति है, क्योंकि वास्तव में परिव्राजकों को एक राज्य के रूप में स्थापित किसने किया है, देवादाय ने किया, इसीलिए इसको रियल फाउंडर बोल देते हैं इस डायनेस्टी का। फिर कौन मिलेगा, प्रभंजन, कुछ इंपोर्टेंट नहीं है इसमें, दामोदर में भी कुछ नहीं है, सिर्फ नाम दिमाग में याद रखना। इसके बाद आएगा हस्तिन, तो इसको पढ़ेंगे, महाराज हस्तिन इंपोर्टेंट है सर, क्योंकि महाराज हस्तिन के खो, जबलपुर, भूमरा, 8 से ज्यादा अभिलेख मिलते हैं, हस्तिन इंपोर्टेंट, यहां तक कि इसके सिक्के भी मिल रहे हैं हमको, तो हस्तिन इंपोर्टेंट। इसके बाद इसका बेटा है जिसका नाम क्या है, संकशोभा या संक्षोभ, इसका भी हमें अभिलेख मिलता है, एक तो खो से मिलता है, एक बैतूल से मिलता है, और ये आखिरी व्यक्ति है इस वंश का, इसके बाद हमें कोई भी परिव्राजक वंश का व्यक्ति हमको देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये राजाओं से थोड़ा सा रूबरू हो जाओ कि भैया इनको थोड़ा सा पढ़ना है हमको। देखो ये आप लोगों के लिए नया हो रहा है थोड़ा सा, जैसे आपने कल गर्दभिल्ल पढ़ा तो वो नया है आपके लिए, नाग डायनेस्टी ज्यादातर लोगों ने खैर पढ़ी होगी, लेकिन वो भी नई ही है, ऐसी इतनी पुरानी नहीं है। और उसके बाद फिर आपने ओलिकर पढ़ा, हालांकि मैं नाग ओलिकर वगैरह पहले भी प्री में इतना कुछ पढ़ा चुका हूं, और ओलिकरों के बाद अब क्या पढ़ रहे हो, परिव्राजक, और ये तो वास्तव में नया है थोड़ा सा,
क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ पे ना तो कभी पूछते थे और ना ही टीचर पढ़ाते थे, हम बस इतना पढ़ते थे कि परिव्राजक वंश जो है बुंदेलखंड में रूल करता था। तो क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछते थे, एक बार पूछा भी गया था कि मग लोग कहाँ पे रूल करते हैं, बघेलखंड आया था, कारुफ वंश का आया था, सॉरी बघेलखंड। तो ये डायनेस्टी, लेकिन अब थोड़ी सी हमको पढ़नी पड़ेगी, क्लियर है कि नहीं? इनसे थोड़ा हो, अभी आपको नया नया लग रहा है, अब कोई व्यक्ति पहली बार मुगल पढ़ता होगा उसे भी नया लगता होगा, लेकिन जब आप उसे पढ़ोगे एक दो बार तो फिर आपके जो है स्वभाव में आ जाएंगे ये लोग, है ना? तो इनको ले लो भैया अपने हिसाब से देख लो। चलो देखो भैया, पहला व्यक्ति कौन है? सुफर्मन। अच्छा पहले तो वंश कौन सा इनका? परिव्राजक। परिव्राजक का मतलब समझो, देखो कौन होता है, ऐसे लोग जिन्होंने संन्यास ले लिया है, घर छोड़ दिया है और दर बदर भटकते हैं वो लोग, दर बदर भटकने का मतलब जो घूमते फिरते हैं वो लोग कौन होते हैं? परिव्राजक होते हैं। मतलब जो साधु संत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? परिव्राजक। परिव्राजक का मतलब ही होता है ऐसा सन्यासी जो जगह जगह घूमता। पर इस डायनेस्टी को परिव्राजक डायनेस्टी क्यों बोल दिया? कि मतलब कहीं ना कहीं इसका संबंध किसी सन्यासी से है। तो जो इस वंश का पहला व्यक्ति है, हालांकि इसे अपन ने शासक लिख दिया है, शासक की तरह मत लिखो इसको, इसे पहला पुरुष इस वंश का मान सकते हैं जिसकी जानकारी हमें मिल रही। सुफर्मन भरद्वाज गोत्र का एक ब्राह्मण था। कौन से गोत्र का भैया? भरद्वाज। ब्राह्मणों में एक गोत्र होता है भरद्वाज। तो भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण है कौन? सुफर्मन। और ऐसा हमको पता चल रहा है, ये संखशोभा बताया था मैंने, इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर संखशोभा जिसे बोलते, इसका एक इंस्क्रिप्शन मिल रहा है खो सतना से, खो इंस्क्रिप्शन, खो अभिलेख। संखशोभा के खो अभिलेख में बताया गया कि ये कौन था, बताओ जरा मुझे, भरद्वाज गोत्र का एक तपस्वी, एक ब्राह्मण है, मतलब संन्यास ले चुका था ये व्यक्ति। और पहले आपको पता है कि गुप्तों के टाइम पे क्या सीन था, जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, जो सन्यासी हुआ करते थे, इन्हें गुप्त राजा बड़ी बड़ी भूमि जो है दान में दे दिया करते, क्योंकि सात वाहनों के बाद से ही लैंड ग्रांट स्टार्ट हो गए थे, यानी कि भूमि अनुदान। पढ़ाऊंगा क्या होता है भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट। तो ऐसा माना था कि संभवतः सुफर्मन को जो है किसी गुप्त राजा ने दान में ये जमीन इनको दे दी हो गई, और ये जमीन इनके बाद इनके बेटों पे गई, मतलब ये जागीर इनके बाद किनके? इनके बेटों पे गई। तो इनके बेटों ने यहां पे परिव्राजक वंश की क्या कर दी? इफ्ता। समझ में आ गया कि नहीं? और ऐसा बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस है हमारे पास, अभिलेख मिल रहा है अब तो, खो इंस्क्रिप्शन, वो भी किसका? संखशोभा यानी कि संखशोभा का। और संखशोभा अपने अभिलेख में लिखता है कि मेरे वंश का जो पहला व्यक्ति वो कौन? सुफर्मन। और सुफर्मन जिसे भरद्वाज गोत्री तपस्वी, तपस्या करने वाला कहा गया है, बोला गया भैया उसको पूर्ण सत्य का ज्ञान था, जो कंप्लीट जो नॉलेज होता वो उसको पता हुआ था, पूर्ण ज्ञान था उसे सत्य, सत्य के बारे में पूर्णतः उसको क्या थी? जानकारी। सन्यासी लोगों को ऐसा कहते नहीं, सब पता है, तो बोला उसको पूर्ण सत्य की जानकारी थी। और जो 14 विज्ञान की शाखाएं होती होंगी उस टाइम पे, साइंस की 14 ब्रांच, बोला सब में वो क्या था? निपुण था। तो ये चीजें दिखा रही है कहीं ना कहीं वो क्या था? एक ब्राह्मण था, एक सन्यासी था। बोला पूर्ण सत्य का ज्ञान, विज्ञान की 14 ब्रांच, उन सबकी नॉलेज उसको, और उसको बोल भी क्या रहे हैं भैया, एक भरद्वाज गोत्रीय तपस्वी। तो जो तुम्हारा ये सुफर्मन है, इसकी जानकारी हमको सिर्फ और सिर्फ, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ संखशोभा के खो अभिलेख से मिलता है, जो कहां पे मिला है? सतना। और इस इंस्क्रिप्शन में बोला गया है कि सुफर्मन क्या है? भरद्वाज गोत्रीय एक ब्राह्मण है, एक तपस्वी है, जिसे पूर्ण सत्य की जानकारी है, और विज्ञान की 14 जो ब्रांच होती है, जो 14 ब्रांच ऑफ साइंस है, इन सबका वो क्या रखता है? नॉलेज रखता है। मेरा ऐसा आइडिया कि भैया ब्राह्मण है, बुद्धिजीवी है, तो होना हो, इसी को गुप्तों ने जमीन है वो देते थे गुप्त राजा। बड़े स्तर पर अगर किसी ने लैंड ग्रांट किए, भूमि अनुदान किया, तो किसने किया है? गुप्तों ने। स्टार्ट करेंगे सातवान भूमि अनुदान का, और इसे पीक पे पहुंचा देंगे कौन? गुप्त। तो गुप्त लोग बौद्ध भिक्षुओं को, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया करते थे। हो सकता है कि ये जो तुम्हारा उच्चहरा वाली जो जागीर है, उच्च कल्प वाली जो जागीर है, सॉरी
और ये जो पन्ना वाला जो तुम्हारा एरिया है, जागीर किसको दे दी गई होगी बताओ जरा मुझे? सुफरमन। लेकिन सुफरमन ने राजा के रूप में शासन नहीं किया, इसमें लिखा है शासक, हटा देना बिल्कुल, राजा के रूप में इसने शासन नहीं किया। लेकिन सुफरमन के बाद जो उसका बेटा था, जागीर सुफरमन के बाद किसको मिली बोलो? देवदाय को। देवदाय भैया ने जो है खेलना स्टार्ट कर दिया। देवदाय ने उस जागीर को एक राज्य के रूप में संगठित किया, अपने वंश का नाम परिव्राजक वंश रखा। और यही कारण है कि परिव्राजक वंश का वास्तविक या संस्थापक, रियल फाउंडर या फाउंडर किसको बोला जाता है? देवदाय। तो जो परिव्राजक वंश का वास्तव में कोई पहला राजा है तो वो कौन है? देवदाय। क्योंकि राजा के रूप में किसी परिव्राजक ने अगर रूल किया तो वो कौन है? देवदाय। सुफरमन को राजा के रूप में मत रखना, वो कौन था? एक तपस्वी था, एक ब्राह्मण था। इसलिए आपने कभी भी क्वेश्चन देखा होगा कि भैया परिव्राजक वंश का पहला शासक कौन, तो देवदाय आंसर में देते हैं, सुफरमन को नहीं दिया जाता। और सुफरमन की जानकारी सिर्फ और सिर्फ खो इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जो किसका है? शंखचूड़ा। बाकी किसी भी परिव्राजक राजा ने सुफरमन के बारे में नहीं बताया, मतलब वो राजा नहीं था। अन्यथा जब भी राजा लोग अपना लीनियज बताते हैं तो उसमें सभी राजाओं को इंक्लूड करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहला व्यक्ति, फर्स्ट नॉन रूलर कहिएगा या पहला ज्ञात या आदि पुरुष कहिएगा इस वंश का, तो वो कौन है? सुफरमन, जिसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? शंखचूड़ा के खो इंस्क्रिप्शन से, जहां यहां पे इसको क्या बोला है? भरद्वाज गोत्रीय तपस्वी या ब्राह्मण। इसको बोला कि इसे पूर्ण सत्य का ज्ञान था। इस भैया को जो है विज्ञान की जो 14 ब्रांच है उन सब का क्या था? इसको नॉलेज था। विज्ञान की 14 शाखों की इसकी जो है क्या थी? इसको नॉलेज था। अच्छा, हमें एक और बात क्लियर होगी, परिव्राजक कौन है? भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण। गद्दी पर कौन आया? देवदाय। देवदाय का नाम देवदाय में क्या रखोगे बताओ? इसने परिव्राजक वंश को एक शासक वंश के रूप में क्या करा? स्थापित। तो परिव्राजकों का पहला व्यवस्थित अगर राजा हम किसी को बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? देवदाय के बाद वाले उतने इंपोर्टेंट नहीं है, जैसे महाराजा प्रभंजन आए, नहीं है उतने इंपोर्टेंट। महाराजा प्रभंजन ये हटा देना, इसमें नहीं आएगा ये वाले हफ्तेन का पॉइंट। महाराजा प्रभंजन के बाद कौन आए? महाराजा दामोदर। ये भी इंपोर्टेंट नहीं, इनके सिर्फ पब्लिकों में नाम मिलते हैं बस। दामोदर के बाद इनका बेटा जो आया हफ्तेन, ये पावरफुल व्यक्ति है, महाराजा हफ्तेन। पहली चीज, परिव्राजक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अगर कोई है तो कौन है? महाराजा हफ्तेन। पर ऐसा काहे कह रहे हो सर आप? हाँ तो सुनो, शंखचूड़ा का नाम बताया था, शंखचूड़ा का अभिलेख कौन सा है? खो। और शंखचूड़ा खो अभिलेख में कहता है कि ये जो महाराजा हफ्तेन है वो अभाला, आज इसको डाहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाहल। उस टाइम पे डाहल को क्या बोलते थे? जबलपुर को हबाला। तो जो डाहल यानी कि जबलपुर वाला जो एरिया है वो इसके राज्य में आता था। और 18 अवी राज्य, अभी बोलते हैं जंगल को, किसको बोलते हैं? जंगल को। तो बोला कि 18 अवी राज्यों पर इसने क्या किया है? शासन। मतलब 18 जंगल में स्थित राज्यों में क्या किया इसने? शासन। 18 अभी राज्य पर शासन करने से मतलब है कि 18 जंगल में स्थित राज्यों को इसने जीता। तो जबलपुर को जीता इसने, और 18 कोई ऐसे राज्य जीते जो कहां पे थे? जंगल में थे। अभी राज्य या इन्हीं को बोलते हैं आटविक राज्य। आटविक का मतलब भी क्या होता है? जंगल होता। तो ये चीज दिखा रही कहीं ना कहीं पावरफुल व्यक्ति है। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया कि इसने परिव्राजकों को गुप्तों से क्या करा लिया था? स्वतंत्र। लेकिन हमने इसको स्वतंत्र नहीं माना क्योंकि इसके अभिलेखों में इसको महाराज ही बोल रहे हैं। अगर ये अपने आप को स्वतंत्र कराता जो कॉम्फर्ट टाइटल होल्ड करता महाराजा धीराज, जैसे तुम्हारा ओलिकर का यशोधर्मन है उसने महाराजा धीराज टाइटल होल्ड किया हर जगह पे, तो क्लियर होता कि हाँ इसने गुप्तों की सुप्रीमेसी जो है त्याग दी है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन चूंकि हफ्तेन की कहीं भी महाराजा धीराज का टाइटल नहीं मिलता, महाराज का मिलता है, तो हम कहेंगे इसने कहिएगा सैद्धांतिक रूप से इसने गुप्तों की अधीनता स्वीकार की होगी, व्यवहार में क्या रहा होगा? स्वतंत्र। जैसे आपने देखा मुगल जब कमजोर हो गए तो अवध वाले, बंगाल वाले, ये सैद्धांतिक रूप से तो कहते थे कि हम भैया कौन है बताओ, मुगलों के अधीन है, लेकिन व्यवहार में क्या थे? ये पूरी तरीके से स्वतंत्र। क्लियर है कि नहीं? तो हफ्तेन याद रखना सबसे पावरफुल रूलर है, और इसकी साम्राज्य की हमें जानकारी इसके बेटे शंखचूड़ा का अभिलेख खो उससे मिलती है, और उसमें वो कहता है कि हमारे पापा जो हैं
डाहल प्रदेश प्लस 18 अविराज यानी कि ऐसे राज्य जो कि फॉरेस्ट जंगल में स्थित थे उन पर क्या करते थे शासन करते। यही नहीं भाई साहब, इसमें और भी फैक्ट इंपोर्टेंट है। फर क्या, इनका एक अभिलेख मिल रहा है भूमरा। कौन सा अभिलेख मिल रहा है? भूमरा। भूमरा कहां पड़ेगा? सतना नागौर। भूमरा का शिव मंदिर भी फेमस है, गुप्तकालीन मंदिर है यहां पे। अभी पढ़ाऊंगा गुप्तकाल, पढ़ाऊंगा इंडियन हिस्ट्री में तब। तो यहां पे भूमरा में इसका एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, किसका बताओ जरा मुझे? हस्तिन का। और महाराज हस्तिन का जो भूमरा अभिलेख है उसमें ये अपने आप को शिव भक्त बता रहे हैं। किसके डिवोटी थे भैया? शिव जी के। तो एक फैक्ट याद रखना, शिव भक्त है ये। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो इसके रा हस्तिन नाम से सिक्के मिल रहे हैं, सिक्कों पे लिखा हुआ है रा हस्तिन। तो इनके बड़े स्तर पर आप देखोगे पन्ना और उसके आसपास वाले क्षेत्र में जो है, जबलपुर में जो है, यहां तक कि बैतूल में भी इनके सिक्के मिल रहे हैं। और इन सिक्कों का नाम क्या रखा हमने? रा हस्तिन, क्योंकि सिक्कों पे अंकित है रा हस्तिन। तो रा हस्तिन नामक सिक्के किस वंश से संबंधित है? परिव्राजक। हस्तिन नहीं पूछेंगे तुमसे, क्या पूछेंगे? परिव्राजक। तो इसके रा हस्तिन नाम के सिक्के भी मिल रहे हैं। और यही नहीं भैया, इसके हमें बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, जैसे खो सतना इसका भी मिला है, जबलपुर डाहल से इसका अभिलेख मिल रहा है, मजगवा पन्ना से इसका अभिलेख मिल रहा है, भूमरा सतना से इसका अभिलेख मिल रहा है। भूमरा अभिलेख में तो इसको क्या बोल रहे हैं कि ये कौन था? शिव भक्त। तो ऐसे इसके बहुत सारे हमें क्या मिल रहे हैं? अभिलेख। तो देखो हस्तिन में क्या क्या याद रखना है। इनके पिताजी का नाम बताओ पहले, महाराज दामोदर। तो महाराज दामोदर के बाद गद्दी पर कौन आया? हस्तिन। हस्तिन ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ परिव्राजक डायनेस्टी, पावरफुल रूलर ऑफ परिव्राजक डायनेस्टी। और हम काहे कह रहे हैं? क्योंकि शंख शोभा का जो खो इंस्क्रिप्शन, देखो खो एक जगह है वहां पे इनका भी अभिलेख मिला है, इनके बेटे का शंख शोभा का भी अभिलेख मिला है। तो हस्तिन का खो अभिलेख अलग है, शंख शोभा का खो अभिलेख अलग। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखना शंख शोभा के खो अभिलेख में लिखा हुआ है कि महाराज हस्तिन ने डाहल प्रदेश सहित 18 अविराज्यों पर शासन किया है। 18 अविराज्य, ऐसे 18 राज्य जो कहां पे स्थित थे? जंगल। यही नहीं भैया, इनके भूमरा इंस्क्रिप्शन में इनको क्या बोला है? शिव भक्त। और तो और सर, रा हस्तिन नाम से इनके क्या मिल रहे हैं हमको? कॉइन्स भी मिल रहे। और इनके अभिलेख कहां कहां से मिले याद करना नाम, खो सतना, भूमरा सतना, मजगवा पन्ना, जबलपुर यानी कि डाहल, इस क्षेत्र से इनके हमको जो है अभिलेख भी मिल रहा है। तो दिमाग में याद रखना, खो है, भूमरा है, मजगवा पन्ना में पड़ता है कि नहीं, मजगवा और डाहल यानी कि जबलपुर, यहां से बड़े स्तर पर इनके क्या मिल जाते हैं हमको? अब कर पाओगे कि नहीं? अब भैया जो हस्तिन के बाद इनके बेटे कौन? शंख शोभा। तो इसके बाद गद्दी पर कौन आएगा? शंख शोभा। महाराज शंख शोभा यानी का नाम क्या है? महाराज संशोभा। कुछ इंपोर्टेंट नहीं, इनका जो खो अभिलेख है ना, जिसके बारे में इन्होंने अपने सबसे पहले व्यक्ति सुफरमन के बारे में बताया, फिर अपने पापा के बारे में बताया, इसमें इन्होंने खुद को भी बताया कि बोला हम कौन है? वैष्णव है। बोला पापा हमारे कौन थे? सैब थे। और हम कौन है? वैष्णव। कितना अच्छा था ना पहले, था कि नहीं? धर्म कैसा था? निजी। बोला जिसको वैष्णव होना है वैष्णव हो जाओ, जिसको बौद्ध होना है तो बौद्ध हो जाओ। चंद्रगुप्त मौर्य जैन था, उसका बेटा बिंदुसार आजीवक था, उसका बेटा अशोक बौद्ध था। कितना सही था, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे तो पहले वाले थे, समझदार थे, क्योंकि धर्म हमेशा कैसा होता है? निजी। पर हमारे यहां पे क्या करते हैं? धर्म को थोपते हैं। बोला इधर आओ तुम, तुमको यहां रहना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जिस देवता में मन लग रहा है पूजने दो भैया, काहे जो है। क्लियर है कि नहीं? हो जाएगा। तो शंख शोभा में याद रखना, इनका एक तो खो इंस्क्रिप्शन और इसमें बता रहे हैं कि हम किस धर्म को मानने वाले हैं, किस पंथ को मानने वाले हैं, वैष्णव। ये आज की तरह मत मानना सैब वैष्णव, पहले तो ये भयंकर खतरनाक थे, आपस में लड़ते बहुत थे। चोल किस धर्म को मानते थे? सैब। तो एक चोल राजा था कुलोत्तुंग सेकंड, कुलोत्तुंग सेकंड इतना कट्टर सैब था भाई साहब कि उसने गोविंद राज की मूर्ति, आज जिसे आप त्रिपुरी बालाजी बोलते हो ना,
गोविंद राज का मंदिर था, वहां पे विष्णु भगवान की मूर्ति है, उन मूर्ति को निकालकर कहां पे फिकवाया, समुद्र में। तो रामानुजाचार्य का नाम सुना होगा, वो वैष्णव थे, वो आ गए भाई साहब तुम ऐसा नहीं कर सकते, विष्णु जी की मूर्ति नहीं फेंक सकते हो, फलाना ढिमका। अब वो नैनार नैनार पंथी था, मतलब चोल, और ये कौन है, अलवार वैष्णव है। तो बोला कोई बात नहीं, एक काम करो तुम गोविंद राज की मूर्ति के साथ जाओ। तो भाई साहब रामानुजाचार्य को जो है मूर्ति पे बांध दिया था, गोविंद राज समुद्र में फेंकवा दिया था, लेकिन रामानुजाचार्य साहब बच के निकल आए, और जो बच के निकल आया भाई साहब वही देवता है हमारे यहाँ पे, जो संकट से बच के निकल आया उसी को हमने क्या कर दिया, देवता के रूप में स्थापित। बोला रामानुजाचार तो क्या है, विष्णु, विष्णु के अवतार हैं, इसलिए तो मरे नहीं, वो जीसस क्राइस्ट को भी फूली पे चढ़ा दिया था कि नहीं, बस वो 24 घंटे बाद बच गए थे, तो फिर उन्हें क्या घोषित कर दिया, ये तो क्या है, देव पुत्र है, सन ऑफ गॉड, गॉड नहीं, गॉड के बेटे। तो ऐसा होता है भाई साहब। रामानुजाचार्य का नाम नहीं सुना, सुना ना, भक्ति आंदोलन पढ़ा होगा, हाँ पढ़ाएंगे सर। क्लियर है कि नहीं, हो पाएगा। तो ये कौन है, वैष्णव है, प्लस ये आखिरी शासक है परिव्राजक वंश का, इसके बाद हमें किसी भी परिव्राजक रूलर की जानकारी नहीं मिलती। कर पाओगे सर, परिव्राजक वंश खत्म हो गया। देखो फिर से, सबसे पहले दिमाग में याद रखना, कि परिव्राजक लोग रूल कहां पे करेंगे, बुंदेलखंड, केंद्र क्या, राजधानी क्या, पन्ना। कर लोगे, सामंत किनके हैं, बता चुका हूं क्यों मैंने बोला सामंत है, क्योंकि तो महाराज का उपाधि मिल रहा है, गुप्त कैलेंडर चल रहा है, और क्या बोलते हैं भाई साहब अपने आप को, गुप्त निप राज्य भक्तो। तो ये सब चीजें बता रही कि कहीं ना कहीं गुप्तों के क्या है, ये सामंत। पहला व्यक्ति कौन है, सुफरमन, जिसकी जानकारी सिर्फ खो अभिलेख, जो कि किसका है, संघ शोभा, और उसमें बोल रहा है कि ये भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण तपस्वी है, इसको संपूर्ण सत्य का ज्ञान है, इसको विज्ञान की जो 14 ब्रांच है सबका ज्ञान। खैर जो भी हो, सुफरमन के बाद जो व्यक्ति आया देवधाय, इसने वास्तव में परिव्राजकों को एक राज्य के रूप में स्थापित किया। तो परिव्राजक का पहला शासक आप देवधाय को ही मान के चलिएगा। देवधाय के बाद कौन आया भैया, प्रवंजन, प्रवंजन के बाद दामोदर, और दामोदर का बेटा आएगा हस्तिन। ये इंपॉर्टेंट है सर, काहे कि हस्तिन के बारे में उनका बेटा संघ शोभा अपने खो अभिलेख में बता रहा है कि हमारे पापा जो हैं ढाल यानी कि जबलपुर के शासक थे, और 18 अभी राज्यों पर भी शासन करते थे, यानी कि ऐसे राज्य जंगल में स्थित। इनके रा हस्तिन करके सिक्के मिल रहे हैं हमको, ये सैब था, और ऐसी जानकारी इन्हीं के भूमरा अभिलेख से मिल रही थी, हस्तिन का जो भूमरा अभिलेख है। और भैया जो हफ्ते ने, इसके और भी बहुत सारे अभिलेख मिले, खो से, भूमरा से, जबलपुर से, मजगवा, पन्ना से। इनके बाद फिर कौन आया बताओ जरा मुझे, बोलो, संक शोभा, संक शोभा जिसका यो परिभ्राजक डायनेस्टी का लास्ट रूलर है, और इसके खो अभिलेख में इसको वैष्णव बोला। इनके पापा सैब, ये कौन है, बैतूल से भी इनका एक इंस्क्रिप्शन मिला, याद रखिएगा थोड़ा सा, संक शोभा का। कर लोगे, ये तुम्हारा परिव्राजक डायनेस्टी क्या हो गया, समाप्त। देखो हमने कौन कौन से कर लिए, गर्दभिल्ल कर लिया, नाग डायनेस्टी कर लिया, ओलिकर कर लिया, और कौन सा कर लिया, परिव्राजक। देखो मैंने कोशिश की है कि सारा कनेक्ट करवाए, कौन किसके सामंत थे, सारी चीज कर पाओगे कि नहीं, हो जाएगा, याद करना, आप कल मैं पूछूंगा। और एक क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चे कि फिर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो प्री में तो कैसे भी बन सकता है, मेंस का देख लो भाई साहब, इनमें कला संस्कृति इनकी है नहीं, क्योंकि इनकी जानकारी बमुश्किल मिलती है, और उसका कारण है इनकी कला संस्कृति को हमने काहे सीरियस नहीं लिया, क्योंकि इनकी कला संस्कृति गुप्तों की कला संस्कृति मानी जाती है, क्योंकि सब कौन है, फ्यूडल है, सामंत। अब यार भूमरा का सब शिव मंदिर मिल रहा है, खो का शिव मंदिर मिल रहा है, वो गुप्तों ने थोड़े ना बनवाए होंगे, इन लोगों ने बनवाए होंगे, लेकिन चूंकि एक इनके सामंत हैं गुप्तों के, तो वो सारे स्ट्रक्चर किसके माने जाएंगे, गुप्तों। तो इनकी कला संस्कृति अलग से तुम नहीं पढ़ोगे, क्लियर है कि नहीं। जानकारी अगर 3 नंबर में कभी किसी वंश के बारे में पूछ लें, या किसी राजा के बारे में पूछ लें, और अब तो मैंने हर डायनेस्टी में इतना बता दिया कि 1-2-3 नंबर का क्वेश्चन अगर आएगा तो तुमसे बनना चाहिए, क्लियर है कि नहीं। यहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे बड़े स्तर पर 11 नंबर वगैरह में,
अगर डायनेस्टी है ज्यादा फायदा, पांच नंबर में पूछ लेंगे पूरा, वो भी वंश के बारे में, इन वंशों के बारे में। हाँ आगे पढ़ाऊंगा ना आपको, परमार आएंगे 11 नंबर में, चंदेल पढ़ाऊंगा ना, उनमें राजा आएंगे 11 नंबर, उनकी उपलब्धियां बताऊंगा, कलचुरी इनमें आएंगे 11 नंबर में, क्योंकि ये बड़े बड़े राजवंश, इनकी पर्याप्त जानकारी, ठीक है कि नहीं? चलेगा, थैंक यू।